आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी अमेजिंग वेजिटेबल्स बिरयानी, जिसे कोई भी मिनटों में बना सकता है। आप पूरा वीडियो वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा, आपको मनीषाज किचन में स्वागत है। चलिए सुपर टेस्टी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियाँ कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे गाजर, आलू, गोभी और बीन्स ली हूँ, और यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया हूँ। साथ में मैंने यहाँ 3 प्याज को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है। फिर कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डाल के गरम करेंगे और पनीर को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो तेल बचा है इसमें 3 बड़ी चम्मच और हम तेल डाल देंगे। उसके बाद हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग और काली मिर्च। इसको चटकने देंगे। 3 यहाँ पे हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फ्राई करा हुआ प्याज डाल देंगे, आधे रखेंगे और आधे प्याज हम डाल देंगे। थोड़े देर इसको सबको मिक्स करके पका लेंगे, 30 से 40 सेकेंड तक। इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भूज लेंगे, जिससे कच्चापन निकल जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और सब्जियां डाल देंगे हम साथ में। आपको जो सब्जियां पसंद है वो डाल सकते हैं आप। सारी सब्जियां डालने के बाद हम सबको मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। साथ में हम मसाले डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 काली मिर्च पाउडर, 1/4 जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, 1/4 बिरयानी मसाला डालेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे साथ में स्वाद अनुसार। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तीन से चार मिनट हो गया, चावल डाल देंगे। 1.5 ग्लास चावल ली हूँ मैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके छान के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम डालेंगे इसे, और इसे मिक्स करके चावल को भी हम 2 से 3 मिनट तक भूज लेंगे। तीन से चार मिनट हो गया, अब इसमें हम फ्राई करा हुआ पनीर डाल देंगे और सबको मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम सारे भुजे हुए चावल को डाल देंगे। सारे के डालने के बाद पानी डालेंगे। यहाँ पे 1 गिलास चावल में हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिया है, इसलिए हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने फ्राई करा था प्याज उसको डाल के, और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डाल देंगे, और इसको हम बंद करके गैस पे रखेंगे। 1 सीटी हम फुल फ्लेम पर लगाएंगे, 1 सीटी लो फ्लेम पे लगाएंगे, और 3री सीटी लगने से पहले हम गैस को ऑफ करके 15 मिनट बाद हम ओपन करेंगे।
इससे बिरयानी आपको बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। 15 मिनट हो गया, हम ओपन कर लेंगे कुकर को। देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा बिरयानी। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायता के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप सब। अगर आप सबको मेरी बनाई हुई बिरयानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।